घर से और फैमिली से कि कपिल देव इज अ लिविंग लेजेंड और बहुत कुछ. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे बहुत सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज पे फिल्म बनी है, मिल्खा सिंह जी पे बनी है, अभी रिसेंटली धोनी जी पे बनी है, तो आप पे आपकी लाइफ पे हम स्टोरी देखना चाह रहे हैं कि कब फिल्म बने, ताकि जो आजकल का जनरेशन का यूथ है उसको थोड़ी वो मिले इंस्पिरेशन. मैं सोचता हूँ मैं अभी जवान हूँ लेकिन सर ऐसा सोचता हूँ. आई थिंक ज़रूर मूवी बननी चाहिए बट इतने यंग स्पोर्ट्समैन के ऊपर इतनी जल्दी नहीं बननी चाहिए. इसलिए कि जब आप यंग होते हो आप अपने आप को पहचानते नहीं और आप कुछ कह भी नहीं सकते. जो मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी बनी है आई थिंक ऐसे बेहतरीन मूवी नहीं बन सकती क्योंकि वो 60 साल के गैप के बाद बनी थी और 60 साल में क्या कंट्री चेंज हुई है. आई थिंक दैट वाज इम्पॉर्टेंट इन दैट मूवी. क्या इम्पॉर्टेंट था कि मिल्खा सिंह एक ग्लास दूध के लिए भाग रहा है, दो अंडों के लिए भाग रहा है, वो ग्रेट था उसमें. और माई नेफ्यू सेड चाचा जी हो ही नहीं सकता दो अंडों के लिए. मैंने कहा तुम्हें मिलते हैं ना फ्री के इसलिए तुम्हें महसूस हो. सो आई थिंक द चेंज हैव टेकन प्लेस बट उसको समझना कि उस समय क्या हालात थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए बनाओगे आई थिंक आई फील नो आई एम नॉट रेडी टू टेल द स्टोरी until unless the people forget what used to happen in that period. Aaj banaoge, aaj Sachin ke liye banaoge, kya hum nahi jante jo wo batana chahta hai? Kya janna chahte hai uske liye? Ya Dhoni ke liye kya janna chahte hai jo hume nahi pata? Commercial angle se banana hai, zarur banao. Kyunki paise kamao, wo tumhari jeh hai. उसमें मेरे को तकलीफ नहीं है, ना मेरे को आने है ना मेरे से जाने है. बट जब आप पिक्चर बनाते हो तो हम बनाते हैं पूरी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, पर उसके पीछे एक बेस होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और सोच बहुत इम्पोर्टेंट है. और सोच इसलिए होती है कि आप नई जनरेशन को चेंज करने के लिए जब भी आप किसी के ऊपर मूवी बनाओ. सो आई फील आई एम नॉट द राइट पर्सन टू मेक अ मूवी. आई थिंक यू आर, अगर आपके ऊपर फिल्म बने बाजी तो मेरे को लगता है कि उससे अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म हमारे कंट्री में आज तक नहीं बनी होगी. इतना कुछ है उस फिल्म में बताने के लिए. आप मेरी टांग खींच सकते हैं बाजी, मैंने आपको ये वॉली बना के दिया, आप स्मैश मार सकते हो. बिल्कुल नहीं, तू छोटा है मेरे छोटे भाई की तरह, मैं तेरे को क्यों बोलूं. अरे अगर फिल्म बना लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि हु इज द परफेक्ट एक्टर टू प्ले कपिल देव आपके अलावा? कपिल देव जितने भी हमारे एक्टर हैं इनको बड़ी इंग्लिश आती है. कोई नहीं कर सकता भाई इसका मतलब. कभी भी देख लो वो बैठे हुए हैं, सॉरी भाई अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ शब्द बोल दूँ आपके इंडस्ट्री के लिए, उनसे पूछो ना कोई भी जाके इंटरव्यू लो उनकी हिंदी में आवाज ही नहीं निकलती और वो भी हिंदी में करते हैं. मैं समझ नहीं पाता कि आपको ब्रांड अपने देश सब कुछ है, उनसे पूछो ना कोई भी हिंदी में क्वेश्चन पूछो पहले तो इंग्लिश बोले. तो हमें समझ ही नहीं आता कभी कभी कि क्या जो इंग्लिश बोलते हैं वही ये कंट्री चला रहे हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते क्या उनको अकल नहीं है? तो मेरे को अजीब सा लगता है.